जाने के लिए मजबूर किया। बेचारे आपके सामने तो कुछ कह नहीं पा, और आपने उसे समझने की कोशिश की। जानते हो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते, चीज के लिए तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए। नकुल चिल्लाइए मत, चिल्लाइए ना, सीधा चाटा मार दिया उन्हें पूजा का कातिल कह। कैसी माँ है आप, आप अपने बेटे का भरा हुआ अक्सर क्या होता है ना लाइफ में, जो इंसान सबसे ज़्यादा हंसता है, सबसे ज़्यादा शांत होता है, जब उसका गुस्सा फटता है ना, तब आप सोच भी नहीं सकते कितना गुस्सा होता है उसके अंदर। बिकॉज क्या है, हमेशा वो खुश रहता है, वो गुस्सा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दबाते रहते हैं या उसको पीते रहते हैं, पर एक दिन वो ऐसे भूम करके फट जाता है। आई थिंक आज वही दिन था। अल्टीमेटम मतलब बेसिकली उनको बिहेवियर पे अल्टीमेटम नहीं है, बस अल्टीमेटम ये है कि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो आप अपना बेटा खो दोगी, बाकी आपको जो करना है करो, बट मेरे भाई को चोट नहीं पहुँचनी चाहिए, मेरा भाई ठीक रहना चाहिए, बस मैं वो चाहता हूँ, बाकी दुनिया की भाड़ में। अभी तो बहुत सारे हैं, मतलब अभी तो चीज़ें ठीक हो रही थी, फिर एक कुंडली वाला ट्विस्ट आ गया, अब नकुल ने एक स्टैंड ले लिया है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं नकुल का कैरेक्टर एक अलग जर्नी पे निकल रहा है। पहले तो एकदम प्रोटेक्टेड शेल में रहता था, दो दो बड़े भाई थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अब कहीं ना कहीं वो काना का प्रोटेक्टर बन रहा है घर में। सो आई थिंक इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग अहेड, देखते रहिए शो बस, एंड थैंक यू सो मच। अभी भी आज भी पता चला कि अगेन वी आर नंबर वन ऑन ऑनलाइन TRPs, सो गाइज कीप ऑन गिविंग अ लव लाइक दिस। थैंक यू, बेचारे आपके सामने तो कुछ कह नहीं, और आपने उन्हें समझने की कोशिश की। जानते हो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते, चीज के लिए तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए। नकुल चिल्लाइए मत, चिल्लाइए ना, सीधा चाटा मार दिया उन्हें पूजा का कातिल कह। कैसी माँ है आप, अपने हद में, और आपने क्या यानी कि आप अपने तीसरे बेटे का भी मरा हुआ मुझे